हेलो गाइस, एनबीटी टेक देख रहे हैं आप मेरे अनिप्रीति के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैट ऐप के बारे में, यानी कि व्हाट्सएप। तो चलिए पता करते हैं कि ऐप में नया क्या है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के दो सुपर कूल फीचर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है कि अब आप व्हाट्सएप पर ही इंस्टाग्राम रील्स देख पाएंगे, जी हाँ, और दूसरा है कि अब आप अपने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स को सीधे इंपोर्ट करके कस्टम एनिमेटेड स्टिकर्स भेज सकते हैं। तो इन दोनों फीचर्स के बारे में जरा डिटेल में जान लेते हैं, ताकि कोई और आपसे इनके बारे में बात करे तो आप कह सके कि डूड आई ऑलरेडी नो दैट। सबसे पहले बात करते हैं पहले फीचर की। जल्द ही व्हाट्सएप में आपको एक खास टैब दिखेगा जिस पर इंस्टा रील्स के शॉर्ट वीडियोस भी दिखाई देंगे। एक रिपोर्ट में पता चला है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप में एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम रील टैब की टेस्टिंग शुरू कर दी है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल लोगों को व्हाट्सएप में ये खास फीचर यूज करने को मिलेगा। सो अमेजिंग राइट। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फीचर की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अब आप कस्टम एनिमेटेड स्टिकर्स को व्हाट्सएप पर किसी भी कॉन्टेक्ट को भेज पाएंगे। इसके लिए आपको स्टीकर मेकर नाम के ऐप की मदद लेनी होगी। इस ऐप पर आप अपना मनपसंद स्टीकर बनाकर सीधे व्हाट्सएप पर इंपोर्ट करके भेज पाएंगे। बताया जा रहा है कि ये ऐप पेड होगा, लेकिन इसमें कुछ स्टिकर्स फ्री में बनाने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। हालांकि ये फीचर्स अभी भी बहुत सी थर्ड पार्टी ऐप पर अवेलेबल है, लेकिन उन्हें सीधे इंपोर्ट करके व्हाट्सएप में यूज करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। फिलहाल आप व्हाट्सएप में स्टिकर्स तो भेज पाते होंगे, लेकिन उनके एनिमेटेड हो जाने से इस ऐप का मजा दुगना हो जाएगा। लेकिन इस फीचर को यूज करने के लिए आपका व्हाट्सएप अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है तो आपको चाहिए कि आप जाएं और उसे अपडेट करें। ध्यान रहे कि इस फीचर को यूज करने के लिए आपका व्हाट्सएप वर्जन 2.21.3.19 एंड्रॉइड पर अपडेट होना चाहिए। वहीं iOS के लिए 2.21.31.2 वर्जन होना जरूरी है। इन फीचर्स को जल्द ही इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडिया के साथ कई सारे देशों में लॉन्च किया जाएगा। आई थिंक इन फीचर्स के साथ व्हाट्सएप बन जाएगा और भी कन्वीनियंट एंड कूल। तो चलिए अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी किसी दूसरे ऐप के नए फीचर्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए NBT Tech एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।